नमस्कार, सप्रिय आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रिय समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर द्वारा जल संरक्षण को लेकर 16 जुलाई से 22 जुलाई 2019 तक चल रहे अभियान के तहत मुगरा बादशाहपुर विकास खंड परिसर में ग्राम प्रधानों और ग्राम विकास अधिकारियों और आशा कार्यकर्तियों की बैठक में जल संरक्षण की जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गौरव दयाल वर्मा ने कई ग्राम प्रधानों से स्वास्थ्य योजना पर सवाल किया तो मौजूद प्रधान ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि इसके पूर्व में कई बैठक में योजनाओं की जानकारी ग्राम प्रधानों को दिया गया। ग्राम प्रधान की बात से खपा होकर सीडू ने ग्राम प्रधानों को कड़े तेवर में निर्देश दिया कि ग्राम प्रधानों द्वारा किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मी के खिलाफ मिली शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सीडीओ ने दो ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। बैठक में मनरेगा विभाग के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जल संरक्षण के अंतर्गत वाटर लेवल नीचे होने पर शासन द्वारा धन स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत धन से कई ब्लॉकों में चेक डैम बनाया जाएगा। मनरेगा कमिश्नर ने बताया कि जिले के 1749 ग्राम पंचायत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य होगा, जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा। विकास खंड मुगरा बादशाहपुर से वीरेंद्र कुमार के साथ राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम कुमार जायसवाल। आज हमारे बीच में मौजूद है जिला के विकास अधिकारी और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर मनरेगा मौजूद है, साथ में बीडीओ जी भी मौजूद है। आज सरकार की जितनी सारी योजना है उसको लेकर के साझा करने के लिए ब्लॉक खंड मुगरा बादशाहपुर में आपका आगमन हुआ है। यहाँ पर सभी 81 गांव के प्रधान, सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो जो सरकार की योजना है उसी को लेकर के आज हमारे साथ सीडीओ साहब मौजूद हैं। उन्होंने क्या क्या चर्चा की है, आइए हम बात करते हैं। सर, क्या आज जो आप मोटो लेकर के आए थे, क्या चर्चा हुई? आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सेक्रेटरी और आंगनबाड़ी के जो सुपरवाइजर्स हैं, इनकी एक कन्वर्जेंस की मीटिंग ब्लॉक स्तर पे कराई थी। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी का आज किसी कारण से नहीं आ सके, क्योंकि गांव स्तर पे ये 3-4 विभाग हैं जिनकी सारी योजनाएं चल रही हैं। ग्रास रूट लेवल पे इन्हीं के कर्मचारी गांव में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे सेक्रेटरी हो। हम लोगों ने इनको विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और मनरेगा और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, पोषण मिशन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इनको बताया कि अधिक से अधिक जो सरकार योजनाओं में पैसा दे रही है उन सबका अधिक से अधिक फायदा उठाएं और गांव को और खुशहाल। और सर, स्कूलों को लेकर के जहां आप इतने गंभीर हैं, क्या मिड डे मील को लेकर के आपकी निगरानी उस पर रहती है? मिड डे मील में क्योंकि प्रधान के द्वारा ही मिड डे मील बनवा के और बच्चों को वितरित किया जाता है, तो उसमें जहां कहीं भी कंप्लेंट आती है तब हम लोग उस पर कार्यवाही करते हैं। अभी तक इस ब्लॉक की तो कोई कंप्लेंट हम लोग के पास मिली नहीं है। कई सारे स्कूलों को हम लोगों ने सर अपने चैनल के माध्यम से कवर किया है, वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं। जहां सरकार की शौचालय की इतनी बड़ी व्यवस्था है, उस स्कूल में शौचालय नहीं है सर। वैसे तो कायाकल्प योजना के अंतर्गत हम लोगों ने शौचालय के लिए राज्य वित्त आयोग की जो धनराशि है उससे शासन ने भी निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई ऐसा स्कूल अभी भी बचे हुए जहां शौचालय नहीं है तो हम वीडियो साहब से बात करके तुरंत बनवाएंगे। सरकार की जो सर ये योजना है आयुष्मान और जन आरोग्य को लेकर के, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है, इस पर जमीनी हकीकत में लोगों को लाभ कितनी जल्दी आप दे पाएंगे? देखिए, ये जो सौभाग्य जन आरोग्य योजना है, जो आयुष्मान भारत, इसमें उसको एक मतलब कवर दिया गया है कि मान लीजिए अगर वो बीमार होता है, उसका कार्ड बना हुआ है, तो वो जब हॉस्पिटल में जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी जो भी गवर्नमेंट से चिन्हित हॉस्पिटल है, उन्हीं में उसका इलाज 5 लाख तक का हो सकता है। तो उसका लाभ इसमें सरकार का बहुत अधिक रोल नहीं है। उसमें यह है कि जिस आदमी को आयुष्मान भारत के अंदर चयनित किया गया है वो वहां पर जाए और अगर उसको वहां पर कोई दिक्कत आती है तो वो सीएमओ से या हम लोगों से बात करे तो हम लोग उसकी सहूलियत के लिए और उसके लिए हैं। उसमें सीधे उसको हॉस्पिटल में कैशलेस उसका इलाज होना, उसको कोई पैसा खर्च नहीं होना और जो हॉस्पिटल है उसको रिम्बर्समेंट भारत सरकार की तरफ से मिलेगा। सर, ये चीज ये कह रहे थे शौचालय जो स्वस्थ भारत मिशन के तहत आपकी जो योजना है जिसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और आने वाले समय में पूरे भारत में इस तरीके की योजना आएगी, कोई भी घर बगैर शौचालय के न रहे, ऐसी व्यवस्था में जिन लोगों के घर में जियो टैग कर दिए गए हैं और उनके शौचालय नहीं बने, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे? दूसरी चीज ये कहना चाहते हैं, अगर सेक्रेटरी मान लीजिए गलत पाया जाता है तब तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, अगर प्रधान इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई करेगी?
प्रधान का अगर दोषी पाए जाते हैं उसकी कंप्लेंट गांव वाले या कहीं से भी हमें प्राप्त होती है तो उस केस में 95G पंचायती राज एक्ट की नियमावली के अंतर्गत प्राविधान है जिसके अंतर्गत प्रधान के वित्तीय अधिकार भी सीज हो सकते हैं, उससे रिकवरी भी हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है और उसको हटाया भी जा सकता है। तो जो भी कार्यवाही हो सकती है अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट मिलती है जहां पर प्रधान की गलती की वजह से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा तो प्रधान के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज का जो मोटो रहा है जल संरक्षण को लेकर, इस पर क्या कहना चाहिए? हम पूरे जनपद में 1749 प्राथमिक विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करा रहे हैं। हम लोग 156 चेक डैम चिन्हित करे हैं, उनको मनरेगा से बनवाएंगे। तालाब खुदाई का काम चल रहा है 179 का हमारा पूरे जनपद में, और इसके साथ साथ बंधा निर्माण, मेड़बंदी और ट्रेंच खुदाई, सुरक्षा खाई का निर्माण, ये जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। कल सर जिलाधिकारी का बहुत सख्त आदेश आया कि जो बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाए गए हैं उस पर क्या निगरानी रहेगी, उनको कितनी जल्दी आप रोकेंगे? सर, ये नगरीय क्षेत्र का है, इसमें ईओ नगर पालिका ने कार्रवाई किया है, पिछला नोटिस उनको जारी किया गया था, कल उसकी मियाद समाप्त हो गई। अब उसको बंद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय निर्देश दिया है, उस पर नगर पालिका कार्रवाई करेगी। अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ जिला विकास अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर मनरेगा जी बैठे थे, उनसे हमारी वार्तालाप हुई है। बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है और बहुत सारी चीज़ों पर उनकी निगरानी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी अपराध किस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा, वो फिर प्रधान हो या सेक्रेटरी हो या जो भी अधिकारी या कर्मचारी होगा, गलत करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी वीरेंद्र कुमार के साथ मैं राम कुमार जायसवाल।